विकास के बड़े बड़े दावे करने वाले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, एक खबर आपके लिए है। इस खबर को देखने के बाद विचार कीजिएगा कि जब आपके इलाके में विकास की ये कहानी है तो बाकी उत्तराखंड का हाल कैसा होगा। मुख्यमंत्री जी, आपके इलाके में हालात इतने बदतर हैं कि एक गर्भवती महिला को अस्पताल ले जाने के लिए लकड़ी के डंडों पर कुर्सी को बांधकर महिला को अस्पताल ले जाया गया। गर्भवती महिला के अस्पताल तक के इस सफर को देखेंगे तो आपके विकास के दावे एक कोने में पड़े नजर आएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, आपके विकास के दावों की पोल खोलती इन तस्वीरों को गौर से देख लीजिए। ये तस्वीरें आपके इलाके के विकास की कहानी कह रही हैं। जब आप अपने इलाके को ही मूलभूत सुविधाएं नहीं दे पाए हैं तो बाकी उत्तराखंड का हाल क्या होगा, इसका अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। घनघोर पीड़ा और बेबसी के इस नजारे को पहाड़ों में रहने वाले आए दिन भोगते हैं। आप गौर से देखिए, आपने इतना विकास कर दिया है कि सड़कें तक नहीं हैं और एक गर्भवती महिला को अस्पताल ले जाने के लिए लकड़ी के डंडों पर कुर्सी को बांधा जाता है और फिर शुरू होता है अस्पताल पहुंचने का खतरनाक सफर। खतरनाक भी इतना कि आम आदमी की रूह कांप जाए। ये मामला चंपावत के झालाकुंडी का है, जहां ग्रामीणों ने गर्भवती महिला को 4 किलोमीटर पैदल चलाकर डोली के सहारे मुख्य मार्ग तक पहुंचाया, जिसके बाद उसे टनकपुर के उप जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज हुआ। मुख्यमंत्री जी, आप विकास के तमाम दावे कर लें, लेकिन सच्चाई तो यह है कि आपके राज में आपका ही इलाका अविकसित बना हुआ है। जनता के पास सिर्फ बेबसी और आपके पास सिर्फ, क्या कह सकते हैं, दावे और वादे। आज ये घटना फिर से हमारे झालाकुड़ी तो बरम सगार की है, जिसमें कि हमारी ये भाभी जी डिलीवरी महिला है, जो कि एक हफ्ते से यहाँ पर परेशान चल रही थी। इन्हें बहुत पेन हो रहा था, काफ़ी मुसीबत का सामना कर रही थी, और जैसे कि लोकली यहाँ पर डॉक्टर को बुलाया गया तो उनके द्वारा मना कर दिया गया। बोला कि हम ऐसे कठिन रास्तों से हम वहाँ पर नहीं आ सकते हैं। किसी की स्वास्थ्य की भी किसी को कोई परवाह नहीं है। आज की डेट में सरकार से हम गुजारिश कर रहे हैं कि इन क्षेत्रों में कोई स्वास्थ्य सुविधा के लिए भी आने के लिए तैयार नहीं है, और हम लोग ऐसे बहुत उद्यम क्षेत्र में हम लोग यहाँ पर अपना जीवन व्यापित कर रहे हैं। और यहाँ पर मैं कई बार इस रोड के सिलसिले में हमने कई ज्ञापन भी दिए हैं और सरकार से हमने इस बात की लड़ाई भी लड़ी है, फिर भी हमारे क्षेत्र में कोई सुनवाई नहीं हुई है। और मैं उत्तराखंड सरकार श्री धामी जी से, मैं ये मुख्यमंत्री श्री धामी जी से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि अगर 10 दिन के अंदर हमारी कोई सुनवाई नहीं होगी, हमारे सारे लोग अनुसूचित जाति अनुसूचित समाज के सारे लोग उग्र आंदोलन के लिए रोड पर आएंगे। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।